Students, today we have to be discuss the topic basic gate using a NAND gate. आज हम क्या discuss कर रहे हैं? Basic gate using a NAND gate. हमें क्या करना है? Basic gate से design NAND gate से हमें क्या design करना है? Basic gates को हमें design करना है, ठीक है? NAND gate हमारे पास available क्या है? अभी सिर्फ एक ही gate available है जो कि basic gate है. हमने total number of gates कौन कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा नॉट गेट, ठीक है, बेसिक गेट ये टाइप से हमें मेरे बेसिक गेट के. उसके बाद हमने क्या देखा? एंड गेट देखा. देन उसके बाद हमने क्या देखा? और गेट देखा. देन यूनिवर्सल गेट में हमने क्या देखा? नैंड गेट को डिज़ाइन किया. देन उसके बाद हमने नॉर गेट को डिज़ाइन किया. यहाँ पे यूनिवर्सल गेट में दो बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन से हमने क्या किया? एक नया गेट को इम्प्लीमेंट किया, नैंड और नॉर गेट को. देन उसके बाद हमने क्या देखा? ड्राइव गेट देखा, एक्सऑर गेट को डिज़ाइन किया, एंड देन उसके बाद एक्सक्लूसिव नॉर गेट को डिज़ाइन किया. मतलब टोटल हमने कितने गेट्स को स्टडी किया था? देयर आर टोटल नंबर ऑफ गेट देखा था हमने 7, जिनका क्लासिफिकेशन हो रहा था 3 टाइप्स में, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड ड्राइव गेट. आज हमें क्या करना है? आज सिर्फ मेरे पास अवेलेबल किया है NAND गेट अवेलेबल है, ठीक है. मेरे पास NAND गेट अवेलेबल है और मुझे डिज़ाइन क्या करना है? NOT गेट भी डिज़ाइन करना है, AND गेट भी डिज़ाइन करना है और OR गेट को भी डिज़ाइन करना है. और अवेलेबल क्या है? सिर्फ मेरे पास NAND गेट है. हमें डिज़ाइन क्या करना है? बेसिक गेट को डिज़ाइन करना है. किसका यूज़ करके हमें डिज़ाइन करना है? NAND गेट का. और NAND गेट का अगर मैं बेसिकली सिंबल देखूँ तो NAND गेट ये कितने टर्मिनल इनपुट गेट होगा? तो मेरे पास दो इनपुट्स होंगे NAND गेट में, A और B. मोर देन टू इनपुट्स होते हैं, बस एक नॉर गेट ही एक मेरा सिंगल इनपुट गेट है और ये होगा मेरा आउटपुट, जिसका आउटपुट इक्वेशन क्या होगा NAND गेट का? A इंटू बी होते का होल कॉम्प्लीमेंट. बिकॉज ये बबल क्या कर रहा है? इन्वर्टर का काम कर रहा है, एक नॉट गेट का काम कर रहा है यहाँ पे ये बबल, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ये मेरा बुलियन इक्वेशंस था मेरा NAND गेट का. दिस आर दिस सिंबल. किसका सिंबल है? मेरे NAND गेट का सिंबल है. और हमें इस गेट के हेल्प से सबसे पहले कौन सा गेट डिज़ाइन करना है? नॉट गेट को डिज़ाइन करना है. अगर मैं नॉट गेट का बुलियन इक्वेशन अगर देखूँ तो उसका बुलियन इक्वेशन क्या आएगा? नॉट गेट का बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट. तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. अगर y की वैल्यू a है तो उसका क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट. ये क्या आएगा? मेरा इक्वेशन आएगा. और उसमें कहाँ होंगे? सिंगल इनपुट ही होंगे. तो मेरा NAND गेट जो है ना, ये कितने इनपुट गेट होता है? टू इनपुट गेट होता है. मतलब हमने ए में जो वैल्यू देंगे ना, वही बी में जाए. हमें क्या करना है? ये दो इनपुट को किससे रिप्लेस करना है? एक ही वैल्यू जाए. और ये जो दो इनपुट है ना, उसको मैंने क्या कर दिया? सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दिया. यानी टू इनपुट को मैंने सिंगल इनपुट के लिए शॉर्ट कर दिया. इसमें जो रहेगा वही वैल्यू कह रहे मेरे सेकेंड इनपुट में रहेगा. और यहाँ से मैं इनपुट ए दे रही हूँ, ठीक है. और अब मुझे इन्वर्टर कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, जो इनपुट में दिया वही उसका मुझे अपोजिट चाहिए. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? आउटपुट y मिलेगा. जो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ सेकेंड इनपुट में भी क्या आ रहा है? a आ रहा है. तो क्या रहेगा? a इंटू ए. तो दोनों में यही आ रहा है ना. अब ये बबल है तो बबल से क्या हो जाएगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा. वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन आपको आंसर क्या मिलेगा? वन ही मिलेगा. तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट, यही आंसर मिलेगा. सपोज लेट अगर मैंने a की वैल्यू को जीरो कंसिडर किया तो आउटपुट ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? जीरो इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या मिलेगा? आउटपुट में वन मिलेगा. मतलब मैंने इनपुट में क्या दिया? जीरो दिया. तो आउटपुट में उसका मुझे इन्वर्टेड फॉर्म मिल रहा है. सेकेंड लेट a इज इक्वल टू वन, देयर फोर वाई इज इक्वल टू वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो. मतलब उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ a मिल गया मुझे. अब मुझे क्या करना है? सेकेंड गेट को डिज़ाइन करना है. फर्स्ट हमने नॉट गेट को डिज़ाइन किया, अब सेकेंड गेट मेरा क्या है? एंड गेट. मुझे एंड गेट को बाय यूजिंग NAND गेट से डिज़ाइन करना है. तो एंड गेट का मेरा इक्वेशन क्या आता है? बुलियन एक्सप्रेशन क्या है एंड गेट का? बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट. बुलियन एक्सप्रेशन क्या है एंड गेट का? तो y इज इक्वल टू a इंटू बी. ये है, मुझे इस इक्वेशन को डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग NAND गेट. तो ये मेरा a इनपुट, ठीक है, ये मेरा b इनपुट. देन इसको क्या कर देंगे हम? NAND गेट कनेक्ट करते हैं. अब देखते हैं डिज़ाइन कैसे हो रहा है.
यहाँ पे बबल आ गया, दीज आर दी माई बी इनपुट, ये क्या है मेरे इनपुट से, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट। हमें इस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अभी आप लोगों ने डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर ए इंटू बी अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोल रहा है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोल रहा है, ये एक लॉ है, इसको भी पढ़ेंगे आगे। ए इंटू बी अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये मेरा डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ बोल रहा है। एंड सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है डी मॉर्गन्स, अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा डी मॉर्गन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है। तो नाउ यहाँ पे ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसके इक्वल में मुझे क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ये मैं क्या दूंगी, एज अ इनपुट दूंगी, क्योंकि मुझे हटाना है ये किसके इक्वल है, ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने ये एज अ इनपुट सेकेंड NAND गेट को यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन y इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट था, यही था, तो उसका अगेन एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, ए इंटू बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, देन ए प्लस बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टेक होल कॉम्प्लीमेंट, तो इक्वल टू क्या आएगा, टेक होल कॉम्प्लीमेंट, अभी मुझे क्या मिल रहा है, टेक होल कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हो ये है ना, अभी इसको हम हाँ ए और बी कंसिडर करो, ठीक है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ लगाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या आएगा आपका, ये प्लस साइन अब किससे रिप्लेस हो रहा है, आपके डॉट से रिप्लेस हो रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, अगर जीरो को कॉम्प्लीमेंट क्लियर करोगे तो वन मिलेगा, ठीक है, फिर अगेन वन को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया, वो गेटिंग कैंसल हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग कैंसल, तो आपके पास क्या बचा, ए इंटू बी, मतलब इसका इक्वेशन जो है क्या बचेगा यहाँ पे, ए इंटू बी, यहाँ से हमने क्या किया, डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करके कैलकुलेट किया, तो ये डिज़ाइन हो गया। अगर बोलिए मुझे क्या करना था, NAND गेट को डिज़ाइन करना था, किसका यूज़ करके, NAND गेट का यूज़ करके, तो हमने NAND गेट का यूज़ करके यहाँ पे NAND गेट को डिज़ाइन कर लिया। अब मुझे सेकेंड गेट के डिज़ाइन करना है OR गेट, ठीक है, नेक्स्ट गेट क्या है मेरा, OR गेट को मुझे डिज़ाइन करना है किसका यूज़ करके, बाई यूजिंग NAND गेट का यूज़ करके, ठीक है, NAND गेट को यूज़ करके मुझे क्या डिज़ाइन करना है, OR गेट को डिज़ाइन करना है। तो नाउ मेरा डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं, ठीक है, थीके? पहला लॉ है मेरा ये, दीज आर दी डी मॉर्गन्स लॉ, हम सबसे पहले डी मॉर्गन्स के लॉज को लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है डी मॉर्गन्स का, ए इंटू बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, ए प्लस बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये दो लॉ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे पास मुझे कौन सा इक्वेशन डिजाइन करना है, किसका बुलियन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरा, OR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, बुलियन एक्सप्रेशन, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो नाउ हमें दो अलग अलग इनपुट चाहिए, अगर मैंने NAND गेट दिया तो मुझे उसका प्रोडक्ट ही मिलेगा इनपुट में, तो मैं क्या करती हूँ, एक NAND गेट को रिप्लेस कर देती हूँ एक इनपुट से, ये मेरा फर्स्ट इनपुट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक NAND गेट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ये मेरा सेकेंड इनपुट है, अगेन इसको मैंने एक सेपरेट NAND गेट को
रिप्लेस करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अब इस ये अलग अलग मुझे दो इनपुट मिल रहे हैं, मैं इसको मर्ज कर देती हूँ, अगेन यहाँ पे एक नैंड गेट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैंने नैंड गेट लगाया, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट टेक होल कॉम्प्लीमेंट, यही मिलेगा मुझे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या है मेरा, ए प्लस बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखो, और ए इंटू बी टेक होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये मिल रहा है। तो अब यहाँ पे पहले होल कॉम्प्लीमेंट ये वाला लॉ लगाती हूँ। तो यूजिंग, ये मेरा फर्स्ट लॉ है, ये मेरा सेकेंड लॉ, यूजिंग डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये ए, अब क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट टेक होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे डॉट है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे आपको इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका और गेट डिजाइन का यही इक्वेशन है आपके और गेट का, कल हम देखेंगे। अब सेकेंड, आज हमने कौन से गेट को, यूनिवर्सल गेट को यूज़ करके बेसिक गेट को डिज़ाइन किया, तो हमने नैंड गेट को यूज़ करके आज बेसिक गेट डिज़ाइन किया। कल हम देखेंगे नॉर गेट का यूज़ करके बेसिक गेट को कैसे डिज़ाइन करना है, कल ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।